रहा हो तो उसे उसको बचाने का अधिकार है। इंडियन पीनल कोड ये नहीं कहता है कि अगर इस प्रकार का हमला हो या इस महिला पे हो या इस बच्चे पे हो, ये कहीं नहीं कहा गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपको खतरा हो तो आप अपना बचाव करें। दूसरी बात ये करवा गई है, कही गई है कि द यूज ऑफ रीजनेबल फोर्स, रीजनेबल फोर्स यानी कि क्या हो सकता है बताइए। और जब आपको लगता है वास्तव में ऐसा है तब से स्वीकार करें, जैसे हम रत्ना कारण का सिद्धांत भी कह रहे हैं। और इसके बाद जितने प्रोविजन से संविधान में सामाजिक व्यवस्थाओं में और समय समय पर विश्व के विकास और इस सिद्धांत में बहुत दिया है, हम उसे पता कर जाते हैं। आपको पता हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लड़कियों के साथ हरासमेंट बहुत ज्यादा होता है, और हरासमेंट इस प्रकार का होता है, छेड़ दिया एक बहुत माइल्ड शब्द है, छेड़ दिया शब्द का इस्तेमाल हमें छोड़ना होगा और हमें ये कहना होगा कि क्राइम कमिट किया है। बहुत सी लड़कियों को ये नहीं पता है कि हरासमेंट क्राइम है, तो ये कहना कि कोई तुम पे सीटी बजाए तो उसको 3 साल की सजा हो सकती है क्योंकि वो क्राइम है, तो क्राइम को क्राइम करें। हमें क्यों शर्म आ रही है ये कहने में कि किसी ने हमारी हिप को टच किया, क्यों शर्म आ रही है? जो टच कर रहा है वो शर्म करे ना, तो हमें अपनी झिझक थोड़ी छोड़नी पड़ेगी और क्राइम को क्राइम कहना पड़ेगा। और कॉल इट आउट से ये होता है कि मान लीजिए उसने मेरे हिप पे पिंच किया, अगर अब मैं कहूं कि क्या कर रहे हो सर, उन्होंने ऐसा किया, फाइनली एट सम पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या किया बताओ तो, अच्छा नहीं लगा, पता ही नहीं लगा क्या चीज है। अगर मैं वहां पे सीधे बोलूं मेरी हिप को पिंच मत कर, तो क्या होगा, इंसान खुद झटके में आ जाएगा, ये क्या बोल गया। ये मैं आपको काफी रिसर्च टेक्निक्स बता रही हूँ भाई, ऐसा नहीं है कि मुझे सपना आया और मैंने ये बना दी, तो काफी सारी इंटरनेशनल रिसर्चेस पे बेस्ड है सारी टेक्निक्स। सेकंड इज कॉल इट आउट। तीसरा ब्रोकन रिकॉर्ड, मान लीजिए मत कर, इसके बाद इंसान कहता है कि क्यों ना करूं, क्यों मत कर, उसके बाद आप बात करते चले गए, फिर से आपने एस्केलेट कर दिया, वो नहीं कर, मत कर, इसके बाद आप क्या बोलोगे, मत कर, मत कर, मत कर। आप जितना अपना असर्टिवनेस बढ़ाओगे लेकिन उसी पर अटके रहो, ऑब्वियसली हर सिचुएशन अलग है, सो वी कांट प्रिस्क्राइब कि आप क्या करें, तो हमें ये नहीं बोलना है इसके अलावा कुछ मत करो। यहां पर भी हमें ये बोलना है कि ठीक है जो तुम्हारे मुंह से निकला वो ठीक है, लेकिन 3-part स्टेटमेंट होता है कि आपको अपने मन की कोई भी बात कहनी है। मान लीजिए कि एक लड़का है वो बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और मुझे और दोस्त है मानना नहीं चाहती उसको, कुछ और नहीं करना चाहती, तो 3-part स्टेटमेंट में ये होता है कि पहले पार्ट में आप बताएं कि आपको कैसा लगा, दूसरे पार्ट में आप बताएं कि ये मत करो, सॉरी मैं खुद भूल गई, ओके सॉरी, फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू कॉल आउट द बिहेवियर, सेकंड पार्ट इज यू हैव टू से हाउ यू फेल्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज टू गिव एन ऑर्डर। तो पहला आप बोलेंगे कि तुमने ये किया, मान लीजिए फिर तुमने मुझे जो फ्रेंड एक्सपीरियंस में लड़कियों को ये बहुत पसंद है, तमाशा बनाओ में एक्चुअली प्रैक्टिस करनी होती है कि बिल्कुल जो लड़कियों को कहा जाता है कि तमाशा मत बनाओ उसका उल्टा करना है, कि बस में अगर हो आपको बाकी कोई टेक्निक इस्तेमाल नहीं करनी है, आपका मन नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है, तो आपको बस जोर जोर, अरे देखो इसने, अरे अंकल आंटी, जैसे बन पड़े, ठीक है, और तमाशा बनाने की प्रैक्टिस भी बाकायदा की जाती है। तो ये है 5वीं टेक्निक। अब आगे बढ़ते हैं, बोया दाना थोड़ा झुकना भी पड़ेगा, कमर को थोड़ा चलाना पड़ेगा।
बुढ़िया ने बोया दाना, ने बोया दाना, गाजर का था पौध लगाना, 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 थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, थोड़ी थोड़ी घास बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी, सोचा तोड़ उसे ले आऊं, सोचा तोड़ उसे ले आऊं, हलवा गरमा गरम बनाऊं, हलवा गरमा गरम बनाऊं, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, और लगाया और लगाया, और लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, फिर बुढ़िया की बेटी आई, फिर बुढ़िया की बेटी आई, खींची चोटी जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाया, और लगाया और लगाया, और लगाया और लगाया, नहीं बना भाई नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ, नहीं बना भाई नहीं बना, नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना, फिर बुढ़िया का बुढ़ा आया, फिर बुढ़िया का बुढ़ा आया, खींची चोटी जोर लगाया, और लगाया और लगाया, और लगाया और लगाया, बन गया भाई बन गया, 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 काम हमारा बन गया, काम हमारा बन गया। सो इस बातचीत से हमें ये जानने को मिलता है कि राइट टू एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन उत्तराखंड एसपीडी एएसपीडी पूरे स्टेट की मशीनरी चीफ एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर आपके टीचर। हेलो, सो थैंक यू सो मच टू वेलकमिंग अवर स्टूडेंट्स। तो हमारे साथ राधिका एंड आयुष हैं और ये हमारे अपने ही बच्चे हैं और जीआईसी डोभा वाला भी ये लोग प्यार क्लास में पढ़ते हैं। तो अभी तक देखा आपने राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन हो रहा है और वो बच्चे कैसे इंटर्नशिप से लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर अभी लाइव देखते हैं कि हमारे उत्तराखंड में इसकी स्थिति क्या है और हमारे बच्चे किस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन के इस प्रोविजन से लाभान्वित हो रहे हैं। तो राधिका और आयुष आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि पूरे स्टेट के एजुकेशन मशीनरी के सामने हमारे 12th क्लास के बच्चे खड़े होकर के और आप लोगों को फेस कर रहे हैं। सो ये रियली प्राउड की बात है और एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। सो आयुष एंड राधिका, मेरा आप लोग ये मल्टी स्किल ट्रेनिंग ले रहे थे स्कूल्स में, तो आप लोग का उस टाइम पे कैसा अनुभव रहा जब आप ट्रेनिंग स्कूल के अंदर आप प्राप्त कर रहे थे? मेरा अनुभव मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मतलब मल्टी स्किल हमने एज ए सब्जेक्ट चुना था और मतलब उससे पहले तो हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज थी ही नहीं, क्या कुछ पता ही नहीं था। मल्टी स्किल चुनने के बाद हमें मतलब एक तो अलग अलग यूनिट्स मतलब गार्डनिंग वेल्डिंग इलेक्ट्रीशियन और फूड प्रोसेसिंग और इन सब की इक्विपमेंट सबसे बड़ी बात इक्विपमेंट्स की नॉलेज हो गई हमें। मतलब अगर कहीं काम चल रहा है तो मैं ये देख के बता सकता हूँ कि ये किस चीज़ का यूज़ कर रहा है और मतलब मैं उसको ऑब्जर्व करके मैं कर भी सकता हूँ। और सर सबसे बढ़िया तो मेरे को लगे प्रैक्टिकल्स और मतलब जो भी सर ने हमें सिखाया बेस्ट था और जो भी उसमें जो मतलब हमें ट्रेनिंग दी वो भी बढ़िया थी। और सर जो जैसे मतलब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई, जैसे हमने प्रैक्टिकल भी बहुत सारे करे, जैसे हमने वायरिंग के प्रैक्टिकल करे, जीना वायरिंग गोडाउन वायरिंग सिंपल सर्किट बनाए हमने। और सर जैसे हमने मिट्टी परीक्षण का भी प्रैक्टिकल करा, बायोगैस का भी प्रैक्टिकल करा और सर ऐसे ही हमने अर्थिंग का भी प्रैक्टिकल करा, हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल करे। मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल नॉलेज भी ग्रहण करी जिससे हम रियल लाइफ में उसे आगे जाके भी कर सकते हैं। फंटास्टिक आयु, आपका अनुभव विद्यालय में कैसा रहा?
वेरी नाइस। तो जब आप लोगों ने इंटर्नशिप किया तो आप कौन सी जगह पे इंटर्नशिप कर रहे थे आयुष? सर मेरे घर के नजदीक एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान थी बलोनी इलेक्ट्रिकल्स करके, तो मैंने उनके यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप करी। कैसा अनुभव रहा आपका वहाँ पर? सर अनुभव मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि वो लोग सामान भी बेचते थे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो उससे मेरे को मतलब एक तो जैसे मेरी तो खुद की शॉप है और मेरे यहाँ कस्टमर आ रहे हैं, तो मैं कस्टमर को कैसे कन्वेंस करूँ, उनसे कैसे बातचीत करूँ, ये मैंने सीखा वहाँ पर। और मैंने हल्का फुल्का वहाँ पर काम भी लेकर सीखा, मतलब जैसे आपने दिवाली में देखा होगा जिनमें करती है कुछ 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 सिंपल लगी रहती है, मैंने वो भी सीखा। और वहाँ पे कुछ कुछ सामान आते थे ठीक होने के लिए, जैसे उस टाइम सर्दी का टाइम था तो वो आगे हीटर आ गई, तो मैंने हीटर के रॉड बदलना वगैरह भी सीखा। और मैंने और भी काम सीखा, जैसे प्रेस ठीक करना हो गया, पंखा ठीक करना हो गया, पंखा लगाना हो गया, कैपेसिटर वगैरह चेंज करना सीखा। मतलब मैंने वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें सीखी, जो जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो मेरा ये है कि मेरे घर में अगर कुछ विद्युत उपकरण खराब हो जाए तो मैं सब खुद ठीक कर सकता हूँ, ना कि मैं इलेक्ट्रिशियन को। उनके बारे में थियोरेटिकल पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने कैपेसिटर देखा तो मैंने सिर्फ देखा देखा, लेकिन अब मैं ट्वेल्थ में हूँ तो उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ रहा हूँ। और वैसे ही जैसे मैंने बायोगैस करी तो बायोगैस चल गई थी, लेकिन फिर भी जो जैसे मैं बायोलॉजी में पढ़ता हूँ कि ये कैसे पर्यावरण के लिए लाभकारी है, तो उसका मैं पहले से आइडिया था। और जैसे मैंने मिट्टी परीक्षण की बातचीत करी आपसे, तो मिट्टी परीक्षण में क्या होता है, हम केमिकल्स यूज करते हैं, तो उन केमिकल्स को हम किन तरीके से अलग अलग जगह से मिट्टी उठा करके लैब में ले जाकर टेस्ट करते हैं, इससे मेरी केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल की भी प्रैक्टिस हो गई थी, जो मेरे लिए अब बेनिफिट हो रहा है क्योंकि मैं केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल बहुत आराम से कर सकता हूँ। और बात है इंटर्नशिप की, तो सर इंटर्नशिप का तो सबसे बड़ा बेनिफिट मेरा यही है, मतलब यह है ना। बहुत बढ़िया, तो आप बहुत अच्छे से अपने इंटर्नशिप का यूटिलाइजेशन अपनी डेली लाइफ में कर रहे हैं और आगे भी उसमें आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो थैंक यू सो मच आयुष। अब थोड़ी सी बात हम लोग राधिका से करते हैं, तो राधिका आप स्कूल में क्या सीखती थी और इंटर्नशिप में क्या सीखा और अभी घर पे आप क्या करती हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। Right? Only it's not a collective platform to understand.